और इस बीच रायपुर से अहम खबर, जहां धान खरीदी के लिए बचे सिर्फ 4 दिन और 3 लाख किसान नहीं बेच पाए धान, और अब तक 127 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। तिथि बढ़ाने के लिए अब विचार भी किया जा रहा है, तो धान खरीदी के लिए भी लगातार जिस तरह से कयास लग रहे थे कि धान पूरी तरह से अभी तक हो पाएगा, लेकिन तिथि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है कि कई ऐसे किसान हैं जो अभी तक धान अपना बेच नहीं पाए। धान खरीदी को लेकर फिलहाल 4 दिन ही बचे हैं और ऐसे में तिथि आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, यानी 3 लाख किसान अभी तक धान अपना बेच नहीं पाए। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या बड़ी वजह रही कि अभी तक इतने किसान जो है वो नहीं बेच पाए अपना धान? देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का लगातार रिकॉर्ड बन रहा है। लगभग 125 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी इस वक्त तक की जा चुकी है। एक सप्ताह का समय शेष है जिसमें लगभग 4 दिनों तक धान की खरीदी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों के भीतर जो 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन धान है वो भी आ सकता है, लेकिन हर बार ये देखा जाता है कि 2-3 लाख जो किसान होते हैं वो कई बार धान नहीं बेच पाते किसी किसी कारण से, और कई बार धान में के जो उठाव है उसमें भी देरी होती है। तो इस बार भी ये स्थिति बनी हुई है कि धान के उठाव की प्रक्रिया लगातार जारी, लेकिन अभी भी लगभग 3 लाख किसान ऐसे हैं जो धान नहीं बेच पाए। तो सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इनके लिए खरीदी की जो अवधि है वो बढ़ाई जानी चाहिए या 30 तारीख तक के, ये इस बात की भी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी कि कितने किसान धान बेच पाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि अगर आवश्यकता महसूस हुई, अगर किसानों की ओर से मांग आती कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए तो सरकार इस पर विचार करेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिनों के भीतर ये स्पष्ट हो जाएगा कि अगर बहुत बड़े पैमाने पे किसान धान नहीं बेच पाते तो तिथि बढ़ाई जा सकती है आगे। तो बिल्कुल, ये 3 विषय आज खासतौर से महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा सबसे अहम है और प्रदेश प्रभारी जो क्लस्टर बनाए गए हैं उनकी अहम बैठक है, वहीं कैबिनेट की भी बैठक है, इन सब पर नजर हमारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।